जहां झारखंड की हेमंत सरकार एक साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश की, वहीं विपक्षी पार्टी भाजपा ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, भानु प्रताप शाही गढ़वा में प्रेस वार्ता आयोजित कर संयुक्त रूप से उक्त बातें कहीं। सरकार ने एक साल पूरा किया है, एक साल के बाद सरकार जश्न मना रही है कि हमारा एक साल बेमिसाल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप पत्र दाखिल की है, चार्जशीट हमने सरकार के खिलाफ करने का काम किया है कि सरकार पर ये हमारा आरोप है, सरकार उसका जवाब दे। हम लोगों ने इसका शुरुआत बलात्कार से किया है। ये जो हेमंत सोरेन जी की कांग्रेस समर्थित सरकार है, इसके बनने के बाद बलात्कार की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से झारखंड प्रदेश में बढ़ी है। लगभग 1500 से अधिक बलात्कार अब तक एक साल के दरमियान हुए हैं, जो एक रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है इस सरकार के नाम से। वहीं उग्रवाद जो आदरणीय रघुवर दास जी के सरकार में समाप्त होते जा रहे थे, फिर से इस सरकार के आने के बाद, दाना पानी मिलने के बाद, सरकार के संरक्षण मिलने के बाद उग्रवाद फिर से एक बार फन उठा करके खड़ा है। उग्रवादी गतिविधि बढ़ने से यहाँ के लोगों में भय व्याप्त है, चाहे वो व्यवसायी हों, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो अच्छे काम करने वाले पदाधिकारी कर्मी हों, सारे लोगों को चिंता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बाहर से आने वाले हमारे फंड यहाँ लगाने वाले, उद्योग लगाने वाले लोग थे, वो भी इस झारखंड प्रदेश में उग्रवाद बढ़ने के बाद अपना पैसा लगाना नहीं चाहते। ये झारखंड की वर्तमान स्थिति है, ये सरकार की उपलब्धि है। सरकार ने जो जो घोषणा किया, एक भी एक साल के दरमियान जमीन पर उतारने का काम है। इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो संन्यास लेंगे। आज अच्छा होता कि मुख्यमंत्री एक साल बेमिसाल के जगह पर मिसाल उनका बन जाता कि अगर वो संन्यास ले लेते, संन्यास की